बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे पाकिस्तान का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हैदराबाद से कराची आना आजाब हो गया है। 310 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गाड़ी वाले क्या करें। गरीब लोग गाड़ी में आते तो भाई 500 रुपए किराया है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा 160 रुपए। इसको हुकूमत वालों को जूते मारने चाहिए भाई। किराया तो देते नहीं, गालों गाड़ियाँ डेली बकाए हैं मालकों की। हमने 3 टाइम की जगह पे 1 टाइम निकाला है। अभी जिससे किराया मांग रहे वो बोलते हैं तुम लोग यार रहम करो, हम सैलाब में डूबे हुए, ये वो है, किराया हमारे पास है नहीं। हर चीज़ को आग लगी हुई है, आपने किराया भरा दिया। हमने बोला हम मजबूर है, ये हुकूमत को तुम बतवा दो। उसने डीजल तेल भराया, हमने नहीं भराया है। पहले पहले हमारा डीजल आता था 300 लीटर, ये 65-60 हज़ार रुपये का, अभी 75 हज़ार रुपये डीजल आ रही है। ये तो सब हुक्मरानों ने डीजल और पेट्रोल बढ़ाया है, इसमें यहाँ के अड्डे वालों की कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल महंगा ले रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि हुक्मरानों प्लीज़ खुदा को मानो, हमारे लिए ये महंगाइयाँ, ये डीजल, ये पेट्रोल मत बढ़ाओ, ये के कमी पेशी करो, ताकि हम वोटिंग दें तो आपको हमें भी सुकून मिले, मज़ा आए कि हाँ यार चलो हमने वोटिंग दी है तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आया है। कोई हम वोटिंग दिए जा रहे हैं, हमारे ऊपर महंगाइयाँ होती जा रही हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है तो कुछ ये कि डीजल ले या पेट्रोल कम कर ले। ये हमारी गाड़ियाँ खाली जाती रही, इतनी 3-3 करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, खाली गाड़ी जाती हैं बिल्कुल।